नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल की एक लड़की जिसका नाम सौम्या पोखरेल है, इसमें इनका बहुत विवाद चल रहा है कि एक समय ये जब भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका एंट्री नहीं हुआ था तो उस समय इनको कोई नहीं जानता था और इन्होंने इनको जो है खेसारी लाल काम दिए थे और ये पवन सिंह को नहीं जानती थी, क्योंकि इनका जब इंटरव्यू हुआ था तो एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, कौन है पवन सिंह। अब आज इनको क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई कि पवन भैया के सॉन्ग पे इनको रील बनाना, और इन्होंने पवन भैया के सॉन्ग पे रील बनाया है इंस्टाग्राम पे। आइए इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि जब इनको कोई नहीं जानता था सौम्या पोखरेल को, ये जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको खेसारी जी ने काम दिया है, ठीक, और ये पवन सिंह को नहीं जानती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो है एक गाना बहुत चला, खेसारी जी ने काम दिया और ये गाना इनका बहुत चला, हरदिया वाला गाना बहुत चला इनका, और काम करते गए आज ये जो है इस समय ये पवन सिंह के रील्स पे ये नाच रही हैं। सौम्या पोखरेल जी, आप ये बताइए, आप जब नेपाल में रहती थी तो आप खाली खेसारी जी को जानती थी, आप ये बताइए। और भोजपुरी में दो ही तो नंबर वन पे हैं, पवन सिंह और खेसारी, तो आप खेसारी लाल को जान रही हैं, पवन सिंह को नहीं जान रही, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज से कहलाया गया था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, क्योंकि आप जानती थी कि हाँ पवन सिंह भी हैं, लेकिन आप उस समय बोली थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। तब आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप पवन सिंह के गाने पर आप रील बना रही हैं, बताइए। अब वही हुआ, क्या बताया जाए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं कि इनके बारे में और क्या कहा जाए और क्या वीडियो लाया जाए। नमस्कार दोस्तों।